दोस्तों वेलकम टू पावर रेसर, मैं हूं आपका दोस्त हर्षित और अभी आपके सामने है ऑल न्यू i20। आज मैं न्यू i20 का आपके लिए रियल लाइफ वॉक अराउंड रिव्यू लेके आया हूं। न्यू i20 को ग्लोबली रिवील कर दिया गया है। न्यू i20 में आपको देखने को मिलती है साइंशियस स्पोर्टीनेस डिजाइन फिलोसफी, जिससे इसको मिलता है एक फुल ब्लोन स्पोर्टी हैचबैक का डिजाइन। इस सेगमेंट में इतनी ज्यादा स्पोर्टी लुकिंग, मस्कुलर लुकिंग और एक प्रीमियम लुकिंग हैचबैक कार अभी तक लॉन्च नहीं हुई है, तो आज हम इसकी सारी डिटेल कवर करने वाले। इंटीरियर देखेंगे कितने ज्यादा स्पेशियस है, रियर का डिजाइन कितना चेंज किया गया है, बूट स्पेस कितना बढ़ाया गया है, सब कुछ डिटेल में देखेंगे। न्यू i20 में जो आपको सारी डिटेलिंग है बहुत ज्यादा प्रीमियम टच के साथ मिलने वाली है। काफी जगह आप देख सकते हैं ग्लॉस एलिमेंट का यूज देखने को मिल रहा है, जो कि इसको बनाता है एक प्रीमियम हैचबैक, और उसके साथ साथ ये इंडिया की फर्स्ट कनेक्टेड हैचबैक कार भी है। रियर का डिजाइन देखिए कितना ज्यादा बल्की डिजाइन है, बूट स्पेस बढ़ाया गया है और सेकंड रो की सीट को भी काफी अच्छा किया गया है इसमें। अगर आप विंडो ग्लास एरिया की बात करेंगे, ये भी काफी बड़ा देखने को मिल रहा है। और Hyundai इसको इंटरनेशनली एज अ हाइब्रिड वर्जन भी लॉन्च कर रही है, जो कि इसकी माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी है। वहीं इंडिया में आपको नॉर्मल IC इंजन देखने को मिलने वाला है। म्यूजिक में आपको बोस के 8 स्पीकर का साउंड सिस्टम इसमें ऑफर किया जाएगा। बाकी जो आपको सारे अलॉय व्हील्स का डिजाइन है, ये आपको क्रेटा इंस्पायर्ड मिलेगा। रियर में अगर आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा प्रीमियम एलिमेंट्स है, लेकिन जो i20 की सबसे पहली डिजाइन फिलोसफी है, मैंने कहा सेंसुअस स्पोर्टीनेस डिजाइन फिलोसफी है, बहुत ज्यादा अपीलिंग लुक देती है। साइड से अगर आप देखेंगे अपीलिंग आपको अच्छा लगेगा, लेकिन फ्रंट से आपको एक सेडान का लुक लगेगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में अभी बताइए कि आपको इसका डिजाइन कैसा लग रहा है। सेडान का डिजाइन इसमें जरूर दे दिया गया है, एक अपीलिंग लुक लग रहा है। फ्रंट में काफी सारे आपको देखेंगे इसमें आपको ग्लॉसी एलिमेंट्स हैं। साइड में आपको ज्यादा क्रोम का यूज नहीं मिलेगा, सी पिलर में जरूर आपको क्रोम और ग्लॉसी एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। जो आपको इसमें वेज स्टाइल डिजाइन एलिमेंट्स दिए गए, एक एंगुलर थीम देते हैं इसको, और यहाँ पर आप देखेंगे क्रोम एलिमेंट्स, पियानो ब्लैक फिनिश का यूज प्रॉपर मिलेगा। जो आपको रैप्ड आउट टेल लैंप्स मिलते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। कॉम्बिनेशन रियर टेल लैंप्स जो देखेंगे, ये आपके बूट में भी इंटीग्रेट किए गए हैं और आपको सी पिलर में भी इसमें पार्शियली देखने को मिलते हैं। i20 की बैजिंग आपको राइट साइड में देखने को मिलती है, और अगर आप डिटेलिंग देखेंगे आपको टेल लैंप्स में भी डिटेलिंग प्रॉपर मिलती है। आपको आज जो इसका रियल लाइफ वॉक अराउंड मिल रहा है, ये थोड़ा सा आपको अच्छा इनडेप्थ दे देगा अगर आप i20 में इंटरेस्टेड है। काफी लोग सोनेट और इसमें कंफ्यूजर है, तो इससे और बेटर आपको व्यू मिलेगा। एक आपसे और शेयर करना चाहता हूं कि जो इसका बूट स्पेस है वो है 351 लीटर का, जो कि सेगमेंट में सबसे ज्यादा है। आपको जो टाटा अल्ट्रॉस है उसमें 350 लीटर का मिलता है। इंटीरियर्स में अगर आप आएंगे तो ये मैंने आपके लिए मिरर कर दिया है, जिससे आप ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाए। जो आपको इंफोटेनमेंट मिल रहा है ये 10.25 इंचेस का मिल रहा है, जो कि हॉरिजॉन्टली प्लेस किया गया है। काफी लोग कह रहे थे कि वरना में 8 इंचेस का दिया गया है, तो इसमें ज्यादा बड़ा कैसे दे सकते हैं, लेकिन जो है वो मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ। हॉरिजॉन्टल आप पूरी लाइंस को देख सकते हैं, जो कि कहीं ना कहीं ऑडी इंस्पायर्ड है। बोस का आपको इसमें 8 स्पीकर यूनिट मिलने वाली है, जिसमें आपको सब वूफर भी दिया जाएगा। कंप्लीट आपको एम्बिएंट लाइटिंग मिलने वाली है डोर्स में, फुटवेल में बहुत प्रीमियम, और इंटीरियर्स के जो कलर कॉम्बिनेशन है वो भी आपको काफी सारे इसमें देखने को मिलेंगे। जो आप आगे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देख रहे हैं, ये भी आपको इंडिया में डिजिटल दिया जाएगा, लेकिन ज्यादा बड़ा नहीं होगा। लेकिन इंफोटेनमेंट आपको टॉप मॉडल में 10.25 इंचेस की प्रोवाइड की जा रही है। वायरलेस चार्जर आप देख सकते हैं, एक तरीके से अच्छा डिजाइन है। आपको कैसा लग रहा है प्लीज बताइए। और स्पेसिंग की बात करेंगे तो उसमें सबसे बड़ा रोल अदा करता है गाड़ी की चौड़ाई। जो पुरानी i20 थी उसकी लेंथ चौड़ाई थी 1734 मिलीमीटर की, और इसकी अभी इंक्रीज करके आपको ऑफर की जा रही है 1750 मिलीमीटर की। बहुत ज्यादा एक बड़ा अपग्रेड तो नहीं है, लेकिन अच्छी आपको चौड़ाई मिलेगी, अच्छा आपको शोल्डर रूम आपको ऑफर करेगा। साउंड डिपार्टमेंट इसका हैंडल कर रहा है बोस, जो कि अच्छी आपको साउंड क्वालिटी सेल्टॉस से देखने को मिलती है। और जो आपको ओवरऑल जो आपको इंजन डिपार्टमेंट इसका हैंडल कर रहा है 1 लीटर का टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन, जो कि अच्छी परफॉर्मेंस देता है। 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन और 1.5 लीटर का डीजल इंजन। जो स्टेयरिंग आपको इसमें दिया गया है, ये आपको डी कट नहीं मिलेगा, बल्कि कन्वेंशनल डिजाइन है। थोड़ी कॉस्ट कटिंग यहाँ पे कर दी है, लेकिन अगर डी कट दिया जाता तो और बढ़िया बात होती। टॉप मॉडल में 6 एयरबैग दिए जाएंगे, ABS, EBD, और गाड़ी की देखिए रोड प्रेजेंस भी मुझे ठीक लग रही है। आप बताइए आपको कैसी लग रही है इसकी रोड प्रेजेंस। इंटरनेशनली काफी सारे फीचर्स के साथ आती है, ऑटोनोमस ब्रेकिंग, स्मार्ट क्रूज कंट्रोल। इंडिया में इतना यूज नहीं है, तो आपको बेसिक फीचर सारे देखने को मिलेंगे। लेदर रैप्ड आप स्टीयरिंग व्हील इसमें देख सकते हैं। और जो आपको ओवरऑल इसका पूरा स्टांस है, मुझे अच्छा लगा पर्सनली। रियर का लुक इसका जरूर अल्ट्रॉस और i20 का काफी टक्कर देता है एक दूसरे को, लेकिन फ्रंट का लुक इसका मुझे अल्ट्रॉस से ज्यादा अच्छा लग रहा है। जो बी पिलर आपको दिया गया है, ये ग्लॉसी मटेरियल नहीं है, बल्कि थोड़ा मैट फिनिश का मटेरियल है। और रियर का डिजाइन देखेंगे, एक अच्छा रियर का डिजाइन इसमें दिया गया है। स्पॉइलर मिलेगा, ये भी आपको पियानो ब्लैक फिनिश में देख पा रहे हैं। और आप देख सकते हैं शार्क फिन एंटीना को। अभी इसकी बहुत सारी डिटेल कवर करनी है। इसका जो आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, ये ऑफर आपको पहले की तरह किया गया है 165 मिलीमीटर का। और बूट स्पेस हमने पहले डिस्कस करा 351 लीटर का। DRS का डिजाइन नो डाउट अच्छा लगा। और जो आपको एक रिफ्लेक्टर दिया गया है लोगों के जस्ट नीचे, ये भी अपीलिंग लुक देता है। फ्रंट का डिजाइन कहीं ना कहीं इसका आपको वेलोस्टर से थोड़ा इंस्पायर मिलेगा, जो कि इसकी इंटरनेशनल एक कूपे डिजाइन है, जो कि आपने ऑटो एक्सपो में भी देखी थी। बाकी इंटरनेशनली मैंने आपको बताया कि 48 वोल्ट माइल्ड हैवी टेक्नोलॉजी आपको दी गई है, जो उतनी ज्यादा एक अच्छी कुछ ऐसा इंडिया में यूज नहीं है। और रियर की सीट का आप देखेंगे ऐसा कुछ आपको मिलता है। रियर का डिजाइन इसका काफी बल्की है, काफी बीफी डिजाइन इसमें दिया गया है। और बूट स्पेस 351 लीटर का मिलेगा, जिसमें आपको 40-60 का ऑप्शन आप देख सकते हैं। अच्छा बूट स्पेस है, 351 लीटर इंक्रीज करा गया है, और एक तरीके से अच्छा अपग्रेड मैं कहूंगा। आर्मरेस्ट आप देख सकते हैं, और आपको काफी जगह में देखिए ग्रीन इंसर्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, जो कि लाइम ग्रीन इंसर्ट्स है। ए पिलर और इनका उतना आप देखेंगे तो आप ब्लाइंड स्पॉट क्रिएट नहीं कर रहे हैं।
दूसरी ओर आपको इसमें जो आपको सनशेड्स मिलते हैं ये भी एक प्रॉपर साइड के, लेकिन जो फ्रंट डैशबोर्ड में आपको हॉरिजॉन्टल इसमें स्लैट्स दिए गए, ये कहीं ना कहीं सब्जेक्टिव डिजाइन है, काफी लोगों को पसंद आएगा क्योंकि कहेंगे कि ये ऑडी इंस्पायर्ड डिजाइन है, मुझे भी पसंद आ रहा है, लेकिन कुछ और हो सकता था। जैसे नियोस में हमें थोड़ा सिंपल डिजाइन मिलता है वो इसमें किया जा सकता था। अब मैं आपको ले चलता हूँ इसके कुछ और फीचर्स की ओर, जैसे काफी लोग इसमें एक्सपेक्ट कर रहे थे, मैं खुद एक्सपेक्ट कर रहा था कि इसमें आपको सनरूफ देखने को मिलेगी, लेकिन इंटरनेशनल वर्जन में तो आपको सनरूफ नहीं मिल रही है। अब इंडिया में सनरूफ मिलती है या फिर नहीं ये मैं आपको अपडेट करूंगा, क्योंकि काफी सारी वेबसाइट्स क्लेम कर रही है कि आपको सनरूफ इसमें मिल सकती है, तो हम भी देखते हैं क्या मिलती है इसमें नहीं मिलती है। एक नजर इसके डालते हैं कुछ इंजन्स की ओर, तो इसमें आपको तीन इंजन ऑप्शन मिलते हैं, पहले डिस्कस कर चुके हैं, 1000 cc का टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन जो कि आपको 99 bhp और 172 nm का मैक्सिमम टॉर्क देगा, 6-speed के मैनुअल ट्रांसमिशन और 7-speed DCT के साथ ऑफर किया गया है, 1.5 लीटर का डीजल इंजन आपको ऑफर करेगा जो क्रेटा और सेल्टॉस में भी दिया जाता है, लेकिन ये आपको फिक्स्ड ज्योमेट्री टर्बोचार्जर के साथ मिलेगा, यानी कि DTU इंजन होगा, जिससे आपकी पावर कम करके 90 bhp कर दी गई है और 220 nm का मैक्सिमम टॉर्क, केवल ये आपको 6-speed के मैनुअल के साथ ऑफर किया जाएगा। अभी जो इसका सबसे कम पावरफुल इंजन है लेकिन सबसे सस्ता इंजन है वो है इसका 1.2 लीटर का VTVT कापा सीरीज 4-cylinder पेट्रोल इंजन जो आप i20 में देख चुके हैं, नियोस में देखते ही है, 83 bhp देगा आपको पावर, 113 nm का मैक्सिमम टॉर्क, माइलेज इसका एक तरीके से ओके है, 13-14 का माइलेज आपको सिटी में ऑफर कर देता है। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक कीजिए और अपने सजेशन मुझे जरूर शेयर कीजिए, क्या ये कम्पीट कर सकती है टाटा एल्ट्रॉस के साथ, बलिनो के साथ, या फिर कोई नई गाड़ी सेगमेंट में अगर आने वाली है। आपको थोड़ा सा एक रिमाइंडर देता हूँ कि इसके बाद किया अपनी रियो लॉन्च करने वाला है, तो प्लीज़ अगर आप वीडियो के साथ अभी तक बने हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर नहीं किया है और ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाइए। एक नज़र हमने सारे लुक को इसके दाख ली, आप एक वॉक अराउंड इसका ले चुके होंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।